एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 12.4। ड्रॉ आ सर्किल विथ रेडियस। हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है जो कि हमें रेडियस दी है 2.5 की। तो हम क्या करेंगे, राउंडर से कंपास से क्या करेंगे, इस मेजर करेंगे 2.5 रूलर से। ठीक है, इसको मेजर करेंगे, उसका हम सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 2.5 की हमने रेडियस ले ली है जो कि हमने मेजर कर ली है। ठीक है, 2.5। अब हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक, इसमें रेडियस क्या थी, यहाँ से हम रेडियस बना देंगे। ठीक, इस टाइप से हमारी OP इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर की हमने रेडियस ली और हमने क्या कर दिया, सर्किल ड्रॉ कर दिया। ये हो गया बेटा फर्स्ट का ए क्वेश्चन। इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करना है। नाउ सेकेंड, ड्रॉ अ सर्किल विद डायमीटर। अब आपको क्या दी है, डायमीटर दी है, तो डायमीटर क्या करना है आपको डायमीटर से। अब आप इसमें स्टेप्स भी राइट करोगे, इसमें स्टेप राइट करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप कर सकते हो। ड्रॉ सर्कल विद डायमीटर, एक आपको डायमीटर दी है 4.6 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि कितनी रहेगी, 4.6 सेंटीमीटर की। ठीक, तो करते हैं। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। किस टाइप से, अब हम इसको मेजर करेंगे, कितनी है 4. कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4.6 को हाफ करेंगे। हाफ से ज़्यादा का हम क्या लगाएंगे, यहाँ से ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो वो हाफ हो जाएगी। फिर वहाँ से हम सेंटर मान के क्या कर देंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक, देखिए हमने किस टाइप से किया है, इसको क्या किया, फर्स्ट पहले हमने पी क्यू को ड्रॉ किया जो कि लिया हमने 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन 4.6 को हमने हाफ किया तो वो हो गए 2.3। 2.3 से हमने ज़्यादा लिया, 2.5 की रेडियस ली, तो यहाँ से पी को सेंटर मान के यहाँ आर्क लगाया, फिर उसके नीचे क्यू से उसको बाइसेक्ट करा दिए। ठीक है, तो एक आ गई लाइन आपकी, बाइसेक्ट हो गया ना। अब हमने पी पी ओ पी को मेजर किया, वो आ रही हमारी कितनी, इतनी ही आना चाहिए, 4.6 की हाफ तो कितनी होती, 2.3। हमने ओ को सेंटर मान के 2.3 का क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। तो पी क्यू क्या हो गई बेटा, अपनी डायमीटर। अब आप इसको राइट किस स्टेप से करोगे, तो देख लीजिएगा, इसके जो स्टेप रहेंगे वो रहेंगे इस एग्जाम्पल के सिमिलर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, इसमें इन्होंने कितनी ली है, 6 सेंटीमीटर, आपने कितनी ली थी, 4.6 सेंटीमीटर की। ठीक, विच द डायमीटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल, वो क्या थी आपकी डायमीटर थी जो कि आपको दी गई थी। स्टेप टू, बाइसेक्ट पी क्यू, आपने पी क्यू को बाइसेक्ट किया इंटरसेक्टिंग पी क्यू एट ओ पर। ठीक, किस स्टेप से किया, टेकिंग ओ एस एंड, फिर आपने इसको बाइसेक्ट कर लिया, आपको आर्क लगा के ही इसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, डायरेक्ट जैसा आप करते आए हैं। टेकिंग ओ एस सेंटर एंड प्लेस द मेटल पॉइंट ऑफ द कंपासेस ऑन इट, फिर आपने ओ पर रखा, ठीक, इट ऑन द कंपासेस सो दैट द पेंसिल पॉइंट रीचेज आइदर एट पी और क्यू। ठीक, रोटेट द कंपास स्लोली इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू ड्रॉ द सर्किल, वी केयरफुली टू कंप्लीट द मूवमेंट अराउंड इन द अराउंड इन अराउंड इन वन इंस्टेंट। द फिगर सो ऑब्टेन इज द सर्किल ऑफ डायमीटर, ये आपकी कितनी आई थी, 4.6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिमिलर ही इसी के जैसा है, सिमिलर है इस एग्जाम्पल के जैसा। ठीक है, आप कर लोगे राइट और मैंने ये बता ही दिया है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, तो बेटा वो भी इसी के जैसा है। ए बी ड्रॉ करनी है हमें 7 सेंटीमीटर, तो आप ए बी ड्रॉ कर लोगे 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल विथ ए बी एस डायमीटर, ए बी क्या है, एक डायमीटर है। तो पहले आप ए बी को क्या करोगे, मैं बता दे रही हूँ राइट, बिल्कुल आपको किसकी तरह करना है, इसी की तरह। ठीक, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ भी ऐसे ही करना है, इसमें रेडियस दी गई है। ठीक है, आप इसको 2 टाइम करोगे तो ये क्या बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगी। ठीक, पी क्यू आपने ड्रॉ कर ली 7 सेंटीमीटर, अब क्या करोगे, आप इसको बाइसेक्ट करोगे।
किस टाइप से आप पी को सेंटर मानोगे, ये 7 सेंटीमीटर इसकी हाफ क्या होती है 3.5, 3.5 से आपको ज़्यादा ले लेनी है, ले लेनी है आप 3.8 ले लेना। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। कैसा, आपने ए बी, ए बी की आपको ए बी डायमीटर दी थी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने इसका हाफ किया, ठीक है, कितना होता है 3.5, 3.5 से हमने ज़्यादा की रेडियस ली, ए को सेंटर माना, यहाँ वाई सेक्ट, इसको वाई सेक्ट करना है आपको ए बी को, ठीक है, तो आपने क्या किया आर्क लगा के इसको वाई सेक्ट कर दिया। ठीक, फिर आपने ए ओ को मेजर किया, ये 3.5 ही होने चाहिए, ठीक, फिर आपने ओ को सेंटर माना और एक क्या लगा दिया यहाँ पर, इसे सर्कल बना दिया 3.5 का, तो ये आपको बन गया राइट। आपको बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही करना है, ठीक है, कर लोगे, क्या राइट करोगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू कितनी 7 सेंटीमीटर विच इज द डायमीटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, जो कि क्या है डायमीटर है सर्कल की, वाई सेक्ट ए बी, इंटरसेक्ट ए बी एट किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ओ पर, टेकिंग ओ एस सेंटर, अब क्या लोगे आप ओ सेंटर लोगे, एंड प्लेसिंग द मेटल पॉइंट ऑफ द कंपोजिट ऑन इट, ओपन द कंपोजिट सो दैट द पेंसिल पॉइंट रीचेस आइदर एट पी और क्यू, रोटेट द कंपोजिट स्लोली द कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू ड्रॉ द सर्किल, बी केयरफुली कंप्लीट द मूवमेंट अराउंड इन वन इंस्टेंट, द फिगर सो ऑब्टेंड इज द सर्किल ऑफ डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इस स्टेप से आपको करना है। क्वेश्चन फोर्थ में क्या करना है, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ, आपको केवल 4.9 सेंटीमीटर की क्या दी गई है रेडियस, तो आप इससे क्या बना लोगे आप सर्किल, अब आपको एक्स और वाई पॉइंट, एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स लाई इन द इंटीरियर, एक्स कहाँ लाई कर रहा है वो इंटीरियर, और वाई जो क्या है एक्सिटीरियर, तो आप 4.9 का पहले सर्किल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, तो फिर वो आपकी डायमीटर आ जाएगी 4.9 से आप यहाँ पर रखोगे पहले आपका बन जाएगा, फिर डायमीटर आपकी आ जाएगी, ठीक, तो आप यहां से रखोगे तो एक यहां अंदर लगाओगे, इसको बाइसेक्ट करना और जो लाइन है इसको आप बढ़ा देना तो बाहर की ओर आ जाएगा आपका, कौन सा आप नेम दे देना इसको, सपोज ये आ गया बाय, अंदर जो रहेगा एक्स, स्टेप से इसको नेम दे देना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब बताएंगे हम आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कैसे करना है, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस, ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ डायमीटर ए बी ऑफ दिस सर्किल, कंस्ट्रक्ट इट परपेंडिकुलर बायसेक्टर, डज इट पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरह है, आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है 3.2 रेडियस का, ले लोगे आपको डायमीटर ए बी ऑफ दिस सर्किल, आपको डायमीटर बताना है, तो 3.2 का डायमीटर कितनी होगी, 2 टाइम होती है ना रेडियस की, 2 टाइम होती है डायमीटर, तो कितनी हो जाएगी 6.4, तो हो गई, कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बायसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बेटा ऐसे ही आर्क लगा के आते हैं, ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करना बता दे रही हूँ, तो ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर की हम रेडियस लेंगे, तो आप अब क्या करोगे, आपने एक ड्रॉ कर ली 3.2 की रेडियस से एक सर्किल ड्रॉ किया, अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब आपको इसको वाई सेक्ट करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है इसकी, तो आपको डायमीटर पता चली गई कितनी होगी 6.4 सेंटीमीटर, तो ये हो गई कितने कितने की, ये इसको नेम दे दिया हमने ओ 3.2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर, ओके, अब क्या करेंगे इसको हम आप करेंगे, तो ये 3.2, अब हम क्या इससे ज्यादा ही लेंगे, 3. हमने ले ली 5 की, तो हम यहाँ से इसको बाइसेक्ट करेंगे, इस टाइप से एक यहाँ आर्क लगाएंगे हम, को यहाँ से, अब हम मिला देंगे इनको,
सपोज हमने इनको नेम के दे दिया पी और क्यू, अब हम इनको मिला तो ये क्या है, सेंटर से होकर जाना चाहिए। ठीक है, आ गया ना। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो जाएगा। आपको राइट किस टाइप से करना है तो मैं ये बता दे रही हूँ। ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई आपकी पी क्यू, किस पर, ए बी पर। ठीक, राइट इसको आप किस टाइप से करोगे, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द सर्किल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने वही किया था। ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर एज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। नाउ विथ ए एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, ड्रॉ टू, आपने दो टू आर्क लगाए ए बी के। ठीक है, सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अदर अदर साइड ऑफ ए बी इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टली, जो कि पी और क्यू को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ज्वाइन पी एंड क्यू विच कट्स द डायमीटर ए बी एट ओ। ठीक है, जो ओ पर कट करता है। हेंस पी क्यू इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर वाई सेक्टर ऑफ डायमीटर ए बी। ठीक, जो पी क्यू क्या है, एक परपेंडिकुलर वाई सेक्टर है, किसका, किसका, डायमीटर ए बी का। क्लियरली ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। इस टाइप से बेटा आपको राइट कर देना है। ठीक है, यहाँ आप 12.4 में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।